किसी ने ठीक ही कहा है, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट। जब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। कुछ ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र का। बता दे, ग्राम सभा रजमलपुर ओसरी पंडितान निवासी आकाश मिश्रा पुत्र संजय मिश्रा ने गांव की ही एक शादीशुदा एक बच्चे की मां बनवासी महिला खुशबू पत्नी सुनील को लेकर 15 दिन पूर्व से फरार हो गया था। बनवासी महिला के पति को किसी तरह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी खुशबू बनवासी अपने ही प्रेमी आकाश मिश्रा के साथ मंदिर में शादी करके दिल्ली में है। पति अपने परिजनों के साथ दिल्ली पहुंचकर दोनों को लेकर मड़ियाहू कोतवाली पहुंचा। खुशबू अपने पहले पति के साथ रहने से किया इनकार। कोतवाल ओम नारायण सिंह ने खुशबू बनवासी व आकाश मिश्रा को एक साथ रहने की दे दी अनुमति। कोतवाली में लिखा पढ़ी के उपरांत आकाश मिश्रा अपनी पत्नी खुशबू बनवासी को लेकर कोतवाली से चला गया। देखिए पूरी खबर। बताइए कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी थी? हम खुश नहीं थे। पहले पति का क्या नाम था? कौन सा ग्राम पंचायत? कौन से गांव में शादी हुई थी? रजमलपुर में आपकी पहली शादी हुई थी। तो पहला पति क्या करता था? ट्रैक्टर चलाते थे। तो उनके साथ क्या समस्या थी कि आप इनके साथ दूसरी शादी करना चाहती हैं? आपको मारते पीटते थे। तो उनसे आपको एक बच्चा भी है, तो उस बच्चे का क्या करेंगी आप? और अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, तो आप कैसे इनसे शादी कर ली? तलाक आपने लिया नहीं है ना अभी? अच्छा, तलाक मिलेगा तो आप तलाक लेंगी, तलाक अभी मिला नहीं है। तो ऐसे में आज आप मड़ियाहू कोतवाली में आई हैं, तो आपका क्या प्रार्थना पत्र आप यहाँ पे देने आई थी? साथ में बनाओ तुम। उनको बोलने दीजिए सर, वो नहीं बोल पा रहे ना, वो नहीं पढ़ी लिखी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, उससे कुछ वो नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जी बताइए आपसे क्या क्या आपको चाहिए? मैं बोल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी चूंकि इनको तलाक नहीं हुआ है और आप कह रहे हैं कि आपने मंदिर में शादी की है, तो आपकी ये शादी तो वैध नहीं होती है, कैसे आप इसको वैध मानेंगे? लेकिन मैं मानता हूँ, लोग वहाँ पे मानते हैं। मैं सातों फेरा लिया हूँ तो मैं मान रहा हूँ ना। सात फेरा आप लिए हैं, तो इसके पहले भी तो सात फेरा ली थी। और उससे वो नहीं खुश है ना? अगर वो मेरे साथ खुश है, मैं तैयार हूँ। और अगर पेट में मेरा लड़का है, मैं तैयार हूँ। और अगर आपसे नहीं खुश हुई तब? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूछो उनसे, कैमरा इधर दिखाओ, खुश है? बोलो, इनको दिखाओ कैमरा। आप इनके साथ जाना चाहती हैं? बोलो। आप अपने मर्जी से बता रही हैं या किसी दबाव में बता रही हैं? आपके परिवार वाले कहाँ हैं? परिवार वाले कोई नहीं, परिवार वाले भाड़ में जाएं। ये बताइए भाई साहब कि आपके परिवार वाले इनको एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा है, मैं परिवार से खुश नहीं हूँ। मेरे परिवार वाले मुझे अंडमंड बोलते हैं, मारते पीटे हैं, परिवार से मैं खुश नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? बहुत लोग हैं, लेकिन परिवार में 25-30 लोग हैं। मैं जुड़ा नहीं सकता, ना नाम उन लोग ले सकता हूँ। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम है संजय पंडित है, लेकिन उनके बारे में आप कुछ मत बोलिए। नहीं, उनके बारे में मैं नहीं पूछूंगा। ये बताइए कि शादी को आपका परिवार मानता है? परिवार हमको बोल रहा है कि अगर दोनों मिल जाओगे तो काट डालूंगा। समाज मानता है? कुछ भी, कोई भी नहीं मानना, लेकिन मैं मान रहा हूँ, मैं प्यार किया हूँ। अगर वो नहीं लेना, कानून मानता है आपकी शादी? नहीं भी नहीं मानना है। अगर वो वहाँ कानून माने हैं, अंदर वाले कानून कैसे मानेगा? अभी तो उन्होंने तलाक ही नहीं लिया है। बोले गए दोनों तैयार है तो हाँ कर दो, अगर नहीं तैयार है कोई बात ही नहीं। और साहब हमको बोले हैं अंदर, जो ओम नारायण सिंह साहब बैठे हैं, वो हमको बोले। क्या बोले हैं? अरे अंदर बोले कि अगर इन लोग तैयार है तो ठीक है, नहीं तैयार है कोई बात ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मिश्रा है। घर कहाँ पड़ेगा आपका? रंजापुर पंडितान में। ब्लॉक? ब्लॉक पाली है, मड़ियाहू ब्लॉक में। मड़ियाहू ब्लॉक में। मामला क्या है, मड़ियाहू कोतवाली में क्यों आए हो? खुशबू के साथ प्यार करता हूँ, उसके पेट में मेरा लड़का है। मैं इसके लिए अपना घर भी छोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे खुशबू चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये खुशबू कौन है? खुशबू मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी भी वाइफ हो चुकी है, इसके पेट में मेरा लड़का है। कब से आप लोग का मतलब प्रेम चल रहा है? एक साल से मेरा चल रहा है। एक साल से चल रहा है। कैसे मुलाकात हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? मुलाकात हुआ था हमारा पहले सर, मतलब इनके गांव में ही बारात आया था, इसी में चक्कर में हमारा भाई इनको थोड़ा प्यार होने गया था देखने के बाद। हम्म, कोई मामला नहीं। तो आज क्या विवाद है, क्यों आप लोग कोतवाली में आए हैं? हम विवाद कुछ भी नहीं है सर, बस मैं इनको लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, कोई रोके ना, ठीक है? अगर उनके पति कुछ बोले तो मुझे। क्या उनकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी उनकी हो चुकी है।
शादी हो चुकी है फिर भी आपने प्यार किया है? हाँ, वो भी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। तुम्हारा नाम सुनील है। किस गांव में रहते हैं आप? रजमलपुर में रहते हैं। हाँ। ये बताइए क्या मामला है, आज आप मणियाव कोतवाली में क्यों आए हैं? मामला ये, मेरी बीवी पंडित को गई है। गई है, क्या नाम है आपकी पत्नी का? खुशबू बनवासी। आपसे तलाक हुआ है? तलाक नहीं हुआ है। तलाक नहीं हुआ है, भाग के गई है। भाग के गई है। हाँ। अभी उसको साथ आप लेकर आए हैं कोतवाली में। हाँ। तो अभी क्या आप अपनी पत्नी को रखने वाले हैं? सर हम रख लेते हैं, लेकिन जब वो नहीं चाहती है तो क्या रखें? यानी आप अपनी मर्जी से उन्हें तलाक देना चाहेंगे? नहीं, मैं ना ये इरादा नहीं है मुझे छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, ये इरादा नहीं है मुझे छोड़ने के लिए। मैं अभी वो तैयार हो अभी हम रख लेंगे, ये बात नहीं है। जब वो नहीं तैयार है तो जाने दीजिए उसको। वो नहीं तैयार है तो जाने दीजिए। मेरा तो ये बताइए, आपकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप उनको मारते पीटते थे, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रेम प्रसंग किया। सर हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, लगाते क्योंकि जब मैं अपने आँख से सब कुछ देख लिया इसलिए इल्ज़ाम लगाया था मैंने। उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, तोहरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि तू मारा था पीटा था? हम मारे थे, जब हम अपने आँख से देख लिया सब कुछ तब इसलिए मारा, उसे समझाया खुशबू ऐसा काम नहीं करना उसको साथ, वो लुहेड़ा है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है, उस चोर है साला, उसकी भी बात उसका मे भी अपने पैर भी रख के बोल दिया एक तारीख को, खुशबू जी इसके ऐसे नहीं करना है खुशबू, मैं रो के बोल दिया मैं। तो ये बताइए आप कि आप भी तो गुटखा उटका खाए हुए हैं, तो आप भी दारू वारू पीते हैं? दारू नहीं पीते सर, वो खुशबू के लिए हम सब कुछ छोड़ दिए, जो खुशबू का बोली थे अलग रहना अलग रहे, एक रूम मेरा अलग है, मैं माँ बाप को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, मैं खुशबू और दो एक बेटी और हम तीन लोग साथ रहते थे। तो अभी अगर तलाक होता है तो आप अपनी बेटी को रखेंगे या खुशबू को दे देंगे? तलाक हो गया, वो बेटी जब उसके साथ रहेगी तो बेटी के लिए किस रहो? हाँ। हम बेटी के लिए क्या करेंगे सर, हम कमाएंगे कि खाएंगे, किसे उसको देखेंगे, क्या करेंगे हम? मतलब आपको इस बात से कोई एतराज नहीं है, आप तलाक दे देंगे? हाँ हम दे देंगे, हमको इस बात का एतराज नहीं है, जब वो नहीं ये मेरे साथ रहेगी तो नहीं रहेगी, जब मैं तो ये बात। अच्छा, इस शादी को समाज मानता है? शादी समाज बहुत मानता है। कैसे मानेगा शादी, अभी आपसे तलाक हुआ नहीं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली? ये बात तो सही कह रहे हो, लेकिन जब वो चुपके से कर लिया तो कर लिया, मेरा मेरे ही नाम होगा सर ने कि मैं सुनील की बीवी थी मुझे, ये तो बात होगा सर। तो जब आपको जानकारी हुई तब आपको कैसा महसूस हुआ उस समय? बहुत बुरा महसूस हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं? क्या कहने चाहते हैं, तो जब उसका मर्जी है, जब वहीं रहेगी तो वहीं रहेगी, मैं नहीं क्या कर सकूँ, उसका मर्जी सर। धन्यवाद।